Assalamu alaikum dear friends and students, this is Qudratullah with you people with the new topic of this chapter homeostasis from class 2nd year, and today we will talk about the osmoregulation. So before talking osmoregulation, in homeostasis we mentioned that homeostasis is that process by which the organism wants to maintain its internal environment constant or nearly constant with respect to the external environment. और फिर उसके बाद हमने इसमें बात की कि we have three various types of the homeostasis. The first one is the osmoregulation, second is the excretion, and third one is the thermoregulation. And then we discuss about the feedback mechanism, and feedback mechanism is actually a cyclic pathway, right? And feedback mechanism is divided in two parts, negative feedback mechanism and positive feedback mechanism. Negative is that one which is inhibitory in nature, right? Whenever one process is start, another one is stop. That one is actually negative feedback mechanism. So it's like मैंने आप लोगों को example दी ADH hormone की, कि हमारे body में रमजान में let's suppose आप सहरी में जब ज्यादा पानी पीते हैं तो 8-9 बजे तक वो पानी body से eliminate होती है, क्योंकि उसकी हमारे body को जरूरत नहीं होती. तो असर के वक्त आपकी जो urination होगी वो concentrated होगी. क्यों? क्योंकि आपको आपके body को water की जरूरत है. तो body क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं water को retain कर लो. तो उसकी retention के लिए वो मैसेज देगी hypothalamus को कि मेरे बॉडी में निफ्रान मैसेज देगा ascending descending को लोब ऑफ हैंड है कि मेरे बॉडी में वाटर की कमी है. तो वो क्या करेगा? वो ADH हार्मोन को इन रिस्पॉन्स सीक्रेट करेगा और उस ADH की वजह से पानी जो है ना वो बॉडी में डिपॉजिट होगी. सो दैट इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में मैंने आप लोगों को डिलीवरी का एग्जाम्पल दिया कि जब भी बच्चे की पैदाइश होती है तो वहां पर जो मसल्स होते हैं लेबर पेन के दौरान वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसकी वजह से सीक्रेट होते हैं बाय मींस ऑफ मैसेजिंग टू द पैनक्रियाज, सॉरी बाय मींस ऑफ मैसेजिंग टू द हाइपोथैलेमस. ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? वो उसके पार्चुरेशन में यानी उसकी जो डिलीवरी होगी उसको मतलब इन्हेंस करता है, उसको ज्यादा करता है. इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बेबी है वो सक करता है मदर के मेमोरी ग्लैंड पे. मेमोरी ग्लैंड क्या करते हैं? वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं. उसकी वजह से हाइपोथैलेमस को मैसेज जाती है कि आप ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट कर ले. ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है वो सॉफ्ट मसल्स में आता है, मीन्स ये मेमोरी ग्लैंड में आता है. मेमोरी ग्लैंड के इर्द गिर्द वो एक सर्कल सा बनाता है और उस सर्कलिंग की वजह से जब भी वो सकिंग करता है बेबी वो, तो वो मिल्क की सिक्रीशन जो है ना वो स्टार्ट होती है. तो ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन के साथ मिल्क की सिक्रीशन रिलेटेड है. और नेगेटिव फीडबैक में किया था कि लेट सपोज अगर इंसुलिन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए तो ग्लूकागन स्टॉप होगा, अगर ग्लूकागन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए तो इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप होगा. सो देट वॉज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक और भी है, दैट इज नेम एज अ हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. उसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कुछ यू बताया था कि लेट सपोज अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो तो हमारे बॉडी में क्या होगा, हम ओवर ब्रीथिंग करेंगे, हमारी ब्रीथिंग जो है ना वो डबल होगी. लेकिन रियालिटी में हर कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं, उसकी वजह से हमारा फेशियल स्ट्रक्चर जो होगा वो ब्लूइश इन नेचर होगा एंड दैट मे लीड्स टू डेथ. इसी तरह एक और एग्जाम्पल फेवर के केस में, जब आपकी टेम्परेचर ज्यादा होती है तो 102 फारेनहाइट से एक्सीड करके, मतलब लेट सपोज अगर वो टेम्परेचर 113 तक पहुंच गया, कंटिन्यूसली आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो 113 पर जो एंजाइम है, एंजाइम आर एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर, तो वो अपना स्ट्रक्चर जो होगा वो लॉस करेगी. और जब एंजाइम अपना स्ट्रक्चर लॉस करती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दैट मे लीड्स टू डेथ. So let's start about the new chapter, the new topic, the osmoregulation. As the name indicate, osmo means water, right? Yes, solution. This is actually a Greek word, osmo. Osmo means solution. Solution is actually the combination of solute and solvent. What is solution? Solution is a mixture of solute, right? Solute plus solvent. राइट हमारे पास जो सल्यूट होती है जो कि कम क्वांटिटी में होती है और सॉल्वेंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में होती है, इसकी मिक्सिंग को हम कहते हैं सोल्यूशन. और रेगुलेशन मीन्स टू मेंटेन, राइट.
So this is actually the maintain of the solute and solvent concentration in a body. Am I right? Yeah, the maintenance of solution means the maintenance of salt, electrolytes and water in a body. That is named as osmoregulation, right? As I mentioned over here, osmoregulation is the regulation of water and salt with respect to the outer environment. Outer environment ke मुनासबत से अगर हम अपने बॉडी को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, इससे पहले भी होम्योस्टेसिस में भी मैंने आपको यह एक टर्म बताया था कि कांस्टेंट नहीं हो सकती. किसी भी इंडिविजुअल का रिएक्शन जो है, फिनोमिना जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता. दैट मस्ट हैव, दैट मस्ट कंटेन फ्लक्चुएशंस, उसमें चेंजेस होती होगी. लेकिन यहाँ पर अगर हम देख लें तो हमारे पास वाटर एंड साल्ट रिमेन सेम इन द इंट्रासेलुलर स्पेस. यानी इसकी कोशिश होगी कि मैं बॉडी के हर टिश्यू में अपने आप को रेगुलेट कर लूं, मींस वाटर और साल्ट को मैं मेंटेन रखूं. ठीक है, दिस इज नेम्ड एज अ ऑस्मोरेगुलेशन. बट हियर इज अ पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस सॉल्यूशन, राइट? सॉरी, हमने सॉल्यूशन के मुताबिक डिस्कस किया है कि दिस इज द कंबिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो लेट मी एक्सप्लेन, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. नंबर फर्स्ट वन इज नेम्ड एज हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, राइट? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन. एंड द सेकेंड वन इज नेम्ड एज हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, ओके? एंड द थर्ड वन इज नेम्ड एज आइसोटॉनिक सॉल्यूशन. वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, a hypertonic solution, a hypotonic solution and isotonic solution. Let's suppose we have three beakers. हमारे पास ये तीन बेकर हैं. एक है ये, दूसरा I have represented with a blue marker and the third one I want to represent this with a black marker, right? We have these three beakers. इसमें आप शरबत बना रहे हैं, मेहमान है आपके पास, कुछ मेहमान आए हैं, मतलब लेट सपोज, ठीक है, किसी और दोस्त को पिला रहे हैं, मुझे खैर है, पिलाओ. ठीक है, तो क्या होगा, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में आपके पास तीन टाइप के लोग आते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, एक देहाती लोग होते हैं जिनको चीनी पसंद होती है, तो आपने उसके शरबत में उसमें चीनी का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा. लेट सपोज दिस वन It contain, let's suppose, 1 liter of water, 1 liter water, और इसमें आपने use किया 100 gram of sugar, right? 1 liter water में आपने 100 gram of sugar को use किया, ठीक है? आपने ये एक mixture बनाया. This is शरबत number first. Second शरबत आपके पास है. This is for देहाती लोग. इस तरह लिखा जाता है मेरे ख्याल से. Anyhow, देहाती के लिए है. और ये क्या है, ये दूसरा जग आपने बनाया, इसमें क्या है, ये 1 liter वाटर है, राइट? और इसमें आपने यूज किया 50 gram ऑफ शुगर को, ठीक है? ये आपका कोई दोस्त है, नॉर्मल दोस्त है, राइट? नॉर्मल फ्रेंड है. इसी तरह आपके पास एक और मेहमान भी आया है जो कि क्या है, जो कि डायबिटिक है, शुगर है इसका. तो आपने क्या किया, 1 liter वाटर में आपने 10 gram शुगर को इस्तेमाल किया. सो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ जग्स. हमारे पास तीन किस्म का शरबत बना है. जो भी आप चाहते हैं यू कैन टेक इट, आप ये पी सकते हैं, ठीक है? एक ऐसा शरबत है जिसके 1 liter पानी में हमारे पास 100 gram शुगर है. सो इट मींस कि ये बहुत मीठा होगा, ये बहुत मीठा होगा, राइट? इसी तरह ये दूसरा शरबत है जिसके 1 liter वाटर में 50 gram शुगर है, मींस ये नॉर्मल होगा. और एक ऐसा भी है जिसमें 10 gram शुगर है, मतलब वो पीका होगा बिल्कुल, ठीक है? मतलब ये कि वो
स्वीट्स इसमें बहुत कम होगी, ये स्वीट मीठा नहीं होगा, ठीक है। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ शरबत एंड एज कंपेयर टू दिस वी हैव थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन। एक वो सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा, यहां पर अगर हम देख लें, सो हियर दिस वाटर इज वर्किंग एज अ सॉल्वेंट एंड दिस शुगर इज वर्किंग एज अ सल्यूट। तो एक हो गई हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन वो है जिसमें हमारे पास सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेट सपोज द ब्रेकअप नंबर फर्स्ट हाइपरटॉनिक वो हैविंग हाई सल्यूट कंसंट्रेशन, राइट, जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। और एक है हाइपोटोनिक, ये वाला जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, लेस सल्यूट। और एक है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मींस कांस्टेंट, सिमिलर मींस मेंटेन, जिसमें बिल्कुल पूरा हो, जिसमें कम या ज्यादा ना हो, ठीक है, सेम कंडीशनिंग, ठीक है। तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यहां पर अगर हम देख लें तो ऑस्मो रेगुलेशन में हमने इस सॉल्यूट कंसंट्रेशन को सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी नीड। हमने अपने बॉडी के नीड के मुताबिक इसको रेगुलेट करना है। यहां तक क्लियर हो गया, एनी कंफ्यूजन? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट दिस ऑस्मो रेगुलेशन इज डिवाइडेड इन टू टाइप ऑफ ग्रुप्स। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास टू ग्रुप्स में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट वन इज नेम्ड एज ऑस्मो कन्फार्मर एंड द सेकेंड वन इज नेम्ड एज ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फार्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर, आप लोगों के बुक में पहले ऑस्मो रेगुलेटर लिखा है, फिर ऑस्मो कन्फार्मर है, लेकिन हम पहले ऑस्मो कन्फार्मर को पढ़ते हैं क्योंकि वो शॉर्ट है और ऑस्मो कन्फार्मर को ऑस्मो रेगुलेटर को हम इसके साथ मजीद लिंक करेंगे, सही है। तो ऑस्मो एज द नेम इंडिकेट साल्ट एंड वाटर, कन्फर्म मीन्स कन्फार्मर मीन्स सेम, स्टेटिक नॉर्मल आइसोटोनिक, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि आइसोटोनिक एनवायरमेंट में रहते हैं, am I right? यानी those organism which are existing in a isotonic environment means जो के ऐसे environment में रहते हैं जो तो कुछ लेते हैं और नहीं कुछ देते हैं, सही है। तो उसको हम नाम देते हैं ऑस्मो कन्फार्मर। और ये कोई भी ऐसा स्पीशी नहीं है जो के टेरिस्ट्रियल environment में इसका मौजूद हो, यानी टेरिस्ट्रियल environment में कोई भी स्पीशी ऑस्मो कन्फार्मर नहीं है, राइट। तो अभी ऑस्मो कन्फार्मर के अगर हम एग्जांपल्स को देख ले, सो ऑल द मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, समुद्री इनवर्टिब्रेट जितने भी हैं, ये सारे के सारे ऑस्मो कन्फार्मर इन नेचर है। मींस उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए, या सॉरी अगर उसके साल्ट सल्यूट कंसंट्रेशन जो है ना वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगी। सो दैट्स व्हाई इसको मतलब एक्सप्लेन करने की और कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ऑस्मो कन्फार्मर। इसी तरह माइजीन मींस अ हैग फिश। हैग फिश ये फिश का एक टाइप है, ठीक है, साइक्लोस्ट्रोन्स में आता है वो भी इसमें, सॉरी दिस इज नॉट इंक्लूडिंग साइक्लोस्ट्रोन, सॉरी। ये क्या है, हमारे पास हैग फिश है, हैग फिश भी ऑस्मो कन्फार्मर का एक स्पीशी है, सॉरी एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास शार्क एंड रेस, एलेसबोब्रांकस, ये भी हमारे पास क्या है, ऑस्मो कन्फार्मर इन नेचर है, दीज आर कार्टिलेजिनस स्पीशीज, कॉन्ट्रैक्टिस है, ठीक है। तो हमारे पास ऑस्मो कन्फार्मर को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि वो ऑर्गेनिज्म जो के अपने सल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, आइसोटोनिक एनवायरमेंट में रहते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑस्मो कन्फार्मर। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ये सिचुएशन, इसमें भी इंक्लूडिंग इन शार्क, शार्क में हमारे पास ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और ये इसके साथ साथ इसका डिटेल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब हमारे पास ये जो मेरीन फिशीज है, लेकिन यहां पर भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलो ठीक है, ये इसको वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया,
एनी कंफ्यूजन, हमारे पास आसमो कन्फार्मर के ये एग्जाम्पल हो गया, मेरिन इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, माइजीन और शार्क एंड रेज, जिसको एक्सप्लेन करने की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिस जिसका जो टेम्परेचर होगा वो रेगुलेटेड है, वो कॉन्स्टेंट है, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आसमो कन्फार्मर एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आसमो रेगुलेटर। सो आसमो रेगुलेटर, एज द नेम इंडिकेट, आसमो साल्ट एंड वाटर रेगुलेटर मीन्स दे वॉन्ट टू मेंटेन, दे वॉन्ट टू नॉर्मलाइज, दे वॉन्ट टू इन अ ऑप्टिमम कंडीशन, राइट? सो दिस आसमो कन्फार्मर एनिमल हैविंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिफरेंट आल मीन्स आसमो कन्फार्मर इज दैट प्रोसेस इन विच एनिमल हैविंग अ सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर नहीं हुआ? इट कैन नेवर बी आइसोटोनिक, यह आइसोटोनिक नहीं हो सकता, इट मे बी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आसमो रेगुलेशन या आसमो रेगुलेटर आर दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन विच द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट? मींस विच इज विच कैन नेवर बी इन आइसोटोनिक कंडीशन, राइट? तो अभी अगर हम यहां पर देख लें तो ये ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करेगा किस चीज के लिए, ताकि वो अपने वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, साल्ट्स वगैरह को रेगुलेट कर ले, ठीक है? उसके रेगुलेशन में ये अपने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को यूज करेगा और इसको ये अपने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को किस पर्पसेस में लिए के लिए यूज करेगा, इस पर्पसेस के लिए ताकि वो अपने आप को मेंटेन रख ले, बैलेंस रखे, ठीक है? और इसी तरह ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन अगर हाइपरटोनिक एनवायरमेंट में हो तो उसकी यही कोशिश होगी कि मैं अपने आप को रेगुलेट कर लो, मैं वाटर की इनहेलेशन कर लो, सॉरी वाटर को ले लो, और अगर हाइपरटोनिक एनवायरमेंट है उसका इंटरनल, तो उसकी यही कोशिश होगी कि मैं क्या कर लूँ, कि मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब आयंस को ले लो ताकि मैं आइसोटोनिक की तरफ आ जाऊँ, ठीक है? तो इसमें उसका सारा का सारा एनर्जी जो है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस कंडीशन। सो लुक हियर इन दिस डायग्राम, आसमो रेगुलेटर, सॉरी इट्स नॉट आसमो रेगुलेशन, ओके, दिस इज आसमो रेगुलेटर। आसमो रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इन टू मेजर पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज द टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, राइट? यानी अभी जानदार जानवर और सहराई जानवर या जानदार, ठीक है? तो एक्वेटिक में हमारे पास आते हैं टू टाइप्स, फ्रेश वाटर एंड मेरीन, ठीक है? फ्रेश वाटर एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म। तो अभी अभी हम इन दोनों के हवाले से पढ़ते हैं, इन दोनों के मुताबिक पढ़ते हैं, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द, फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर एनिमल। फ्रेश वाटर एनिमल में हमारे पास जो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी दैट इज ऑलमोस्ट, फ्रेश वाटर में हमारे पास 1 ग्राम पर 1 लीटर साल्ट होती है, राइट? फ्रेश वाटर में हमारे पास जो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी दैट इज ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर लीटर, लेकिन मेरीन ऑर्गेनिज्म में या मेरीन वाटर में हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन जो होगी दैट इज 34 ग्राम पर 1 लीटर उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन होती है, किस चीज में? मेरीन वाटर में। इसलिए ये इसका पानी जो होगा वो साल्टी होगा, ठीक है? वो कारा पानी होगा, उसको हम यूटिलाइज यूज नहीं कर सकते। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर आसमो रेगुलेटर। फ्रेश वाटर आर एक्चुअली हाइपरटोनिक इन नेचर एज कंपेयर टू द एनवायरमेंट। क्यों? अगर हम देख लें तो फ्रेश वाटर में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो साल्ट्स हैं, जो सल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द वाटर। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 ग्राम पर 1 लीटर, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यहां पर जो फिश होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो हाइपरटोनिक इन नेचर होंगे। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी साल्ट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एज कंपेयर टू द वाटर एनवायरनमेंट, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर इन फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपना एनर्जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं। किस तरह प्रॉब्लम हो सकते हैं? As we know that external environment में water की concentration ज्यादा होती है। Let me explain it here with a diagram. Look,
Okay, we are talking about the osmoregulator, and in us, okay, sorry, I also clean here the two terms urea and me mention karta hu urea and trimethylamine oxide. ठीक है, these two इसको explain करते हैं. तो यहां पर let's suppose ये fresh water ecosystem है. ठीक है, इसमें हमारे पास यहां पर ये fish exist करता है. ये fish है, let's suppose. तो ये fish का जो इंटरनल एनवायरमेंट होगा इट विल बी हाइपरटोनिक, और जो बाहर एनवायरमेंट है ये क्या है, दिस इज हाइपोटोनिक. ओके, ये हाइपोटोनिक इन नेचर है, मींस यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है वो ज्यादा है और सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है. ठीक है, फिश के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कम है. क्यों वाटर की कम है तो अभी एक्सप्लेन करते हैं. तो यहां पर मैंने आप लोगों को यह बताया कि इस फिश को सर्वाइवल के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी को यूटिलाइज करनी होगी. क्यों? क्योंकि इसकी सर्वाइवल को खतरा है. क्यों, किस तरह खतरा है? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस ये इजीली पेनिट्रेट हो सकती है. तो क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा. ठीक है, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और पानी बिल्कुल नहीं पिएगा, नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. ओके, पानी बिल्कुल नहीं पिएगा. क्यों? क्योंकि पैसिवली बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस उसके बॉडी में पानी मुसलसल इन हो रही है, आ रही है. सो दैट्स व्हाई उसको पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है. और इसी तरह ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, ओवर यूरिनेशन करेगा, ज्यादा यूरिन सीक्रेट करेगा, एंड दैट यूरिन विल बी डाइल्यूट. यानी ऐसा यूरिन करेगा जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सल्यूट की कम हो. डाइल्यूट यूरिनेशन उसको कहते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो. ठीक है, तो ये अपना डाइल्यूट यूरिनेशन करेगा और डाइल्यूट यूरिनेशन के साथ साथ पानी भी बिल्कुल नहीं पिएगा, तो इसकी वजह से ये अपने आप को बचा सकता है. समझ आ रही है? और इसी तरह इसके कुछ सेल्स होते हैं, इन फिशेज में कुछ सेल्स होते हैं, वो फिश में एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, जो गिल्स एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और फ्रॉग में हमारे पास जो इसके स्किन सेल्स होते हैं. तो एपिथेलियल सेल्स पे यहां पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं गिल्स एपिथेलियम पे, उन सेल्स को हम नाम देते हैं आयोनोसाइट्स. राइट, उन सेल्स को हम नाम देते हैं आयोनोसाइट्स. आयोनो मींस आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, साल्ट्स, साइट्स मींस सेल्स. यानी वो सेल्स जो कि इन साल्ट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, राइट, इस आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, मींस अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं, उन साल्ट, उन सेल्स को हम नाम देते हैं आयोनोसाइट्स. क्लियर नहीं हुआ? आयोनोसाइट्स इन फिश के गिल्स एपिथेलियम में और फ्रॉग के स्किन सेल्स पर पाए जाते हैं, और इनका काम यह है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस फ्रॉम द हाइपोटोनिक एनवायरमेंट. हाइपोटोनिक में ऑलरेडी किस चीज की, साल्ट्स की कमी है, लेकिन फिर भी ये आयोनोसाइट्स क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करेंगे ड्यू टू दिस स्पेसिफिक टारगेटेड सेल विच आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम इन अ फिश एंड द स्किन सेल इन अ एम्फीबियंस. यहां तक क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क आल्सो इन द कमेंट्स एंड थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू पीपल. ओके, इसी तरह हमारे पास अगर हम इसको मेंशन कर लें, मेरीन ऑर्गेनिज्म को मेंशन कर लें, तो मेरीन में क्या होगा? मेरीन में ये होगा कि मेरीन हमारे पास हाइपरटोनिक इन नेचर होंगे. राइट, हाइपरटोनिक मेरीन क्या होंगे, वो हाइपरटोनिक इन नेचर होंगे. मेरीन को अगर हम इस तरह एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर ले, सो लेट्स सपोज दिस इज सी, ये हमारे पास ओशियन है या सी है, और इसमें हमारे पास ये फिश मौजूद है. इसका स्ट्रक्चर भी हम चेंज करेंगे,
लेट सपोज ये फिश मौजूद है, तो यहां पर अगर हम देख लें ये साल्टी वाटर है, ठीक है, ये समुद्री पानी है, ये साल्टी वाटर है। और मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जो मेरीन वाटर है इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन 34 ग्राम पर लीटर होती है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एम आई राइट? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रहता है। क्लियर हो गया? तो लेकिन अगर हम इसको इंटरनली देख लें, दिस इज हाइपोटोनिक। सो फिश इज हाइपोटोनिक टूवर्ड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड दिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू द फिश। तब यहां पर क्या होगा, इस फिश को दोबारा प्रॉब्लम होगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को फ्रेश वाटर में बताया कि इस फिश को प्रॉब्लम है किस चीज से, ओवर डाइलेशन से, कि वो मतलब पुल न जाए उसकी बॉडी, तो वो अपने एनर्जी यूज करता है किस चीज के लिए, ताकि वो अपने वाटर सरफेस को मिनिमम कर ले। यहां पर इस ऑर्गेनिज्म को मसला है किस चीज से, एक्सेस ऑफ साल्ट, साल्ट ज्यादा है, सो इस ऑर्गेनिज्म को मसला है साल्ट से, तो क्या करेगा ये ऑर्गेनिज्म, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करेगा, ड्रिंकिंग करेगा। इस तरह नहीं, अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रेश वाटर फिश के साथ, तो वो पानी बिल्कुल नहीं पी जाता, क्यों? क्योंकि उसमें पेस्योरी वाटर आती है, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करेगा, और जब ये यूरिनेट करेगा सो दैट यूरिनेशन विल बी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन की समझ ये का मतलब ये है कि हमारे पास फ्रेश वाटर में मैंने आपको ये बताया था कि ये फिश क्या करेगा, ये डाइल्यूट यूरिनेशन करेगा, लेकिन यहां पर ये फिश क्या करेगा, ये कंसंट्रेटेड यूरिनेशन करेगा। क्यों? इसमें इसका फंक्शन ये है कि कंसंट्रेटेड में हमारे पास जो साल्ट्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वो कंसंट्रेटेड यूरिनेशन के थ्रू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट को बॉडी से इलिमिनेट करेगा, और जब भी साल्ट इलिमिनेट करेगी ऑटोमेटिकली यहां पर ये एनवायरमेंट भी हाइपरटोनिक है, तो मतलब ये है कि इसने इस फिश ने मजीद साल्ट इस एनवायरमेंट को रिलीज किए, सो ऑटोमेटिकली दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट कैन नेवर बी पैसिव। व्हाई? बिकॉज पैसिव ट्रांसपोर्ट इज दैट इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन हियर वी आर गोइंग एंटागोनिस्टिकली, हम अगेंस्ट जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिश में वाटर साल्ट की कमी है, इन्वायरमेंट में साल्ट की ज्यादती है, इंक्रीज है, तो फिर भी हम इन्वायरमेंट को साल्ट रिलीज कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट दिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां पर इस फिश को, इस ये फिश अपने आप को बचाने के लिए इसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड, उन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स एक्चुअली इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, रेक्टम के साथ अटैच होते हैं, तो और डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एक्सेस ऑफ साल्ट्स बनती है वो बॉडी से बाय मींस ऑफ एजेशन बॉडी से वो रिलीज करते हैं, ठीक है, मींस फीसिस की तरह बॉडी से वो ये एक्स्ट्रा साल्ट को एलिमिनेट करते हैं, तो दिस ग्लैंड्स आर नेम्ड एज अ रेक्टल ग्लैंड। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, रेक्टल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अ मेरीन फिशेस, बोनी फिशेस, ठीक है, ये बोनी फिशेस कंट्रक्टिव नहीं होते हैं, ये अस्ट्रक्टिव होता है। इसी तरह और जो हमारे पास आयोनोसाइट्स है, दीज आर प्रेजेंट इन अ फ्रेश वाटर फिशेस। यहां तक क्लियर हो गया? अभी आते हैं टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तरफ। ऑस्मोरेगुलेटर का जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज द टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास इन इनवर्टिब्रेट्स आता है, आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट? आर्थ्रोपोड्स आर द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन अ लैंड, ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट में अगर हम देख ले तो हमारे बॉडी के लिए भी वाटर की इंतहाई जरूरत होती है, तो हम अपने वाटर को, हमारे बॉडी में वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए स्किन मौजूद होती है। इसी तरह आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देख लें तो दैट कंटेन काइटेनियस स्ट्रक्चर, उसका जो टेगमेंट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्किन होती है वो काइटीन की बनी होती है, ठीक है, विच इज अ
काइटिन की बनी होती है और उसका फंक्शन क्या है या हमारी बॉडी क्या है, हमारी स्किन है, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है काइटिन का, या इस यहाँ पर कुछ सेबम्स होते हैं, आयल्स होते हैं, ठीक है, या इसी तरह केराटिन होते हैं, तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है टू रिड्यूस इवेपोरेशन, एम आई राइट। तो वो क्या करेगा, वाटर लेवल को रिड्यूस करेगा। इसी तरह अगर आप रेप्टाइल्स को देख ले या बर्ड्स को देख ले, एग्स के विंग्स को देख ले, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर लेवल को रिड्यूस करेगा, इवेपोरेशन को डिक्रीज करेगा, ठीक है, ताकि वो अपने आप से ज्यादा लॉस ऑफ वाटर ना कर ले। इसी तरह टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में अगर हम देख ले तो उसमें एक फिनोमेना पाई जाती है, दैट इज नेम्ड एज एनहाइड्रोबायोसिस। इज द नेम इंडिकेट एन, बायोलॉजी में जब भी एन का मतलब आता है विच मीन्स विद आउट, हाइड्रो मीन्स वाटर, बायोसिस मीन्स लाइफ, सो इट मीन्स दैट दिस इज द लाइफ विदाउट वाटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंटली विदाउट वाटर सर्वाइवल कर सकते हैं, नो नॉट एट ऑल, इट मींस कि दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सम टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो विदाउट वाटर सर्वाइवल कर सकते हैं। और इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है दैट इज कैंगरू रेट, ये रेट का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कैंगरू रेट क्या करता है, ये वहां पर जो टेरिस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इसके सीड्स पे फीड करता है, और उसके सीड से जो मेटाबॉलिक वाटर होती है, राइट, मेटाबॉलिक वाटर मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर होती है उस पे अपना काम चलाता है, सो दैट्स व्हाई उसको वाटर की जरूरत नहीं होती। यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरह ये जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडेप्टेशन भी उसमें होती है, किस तरह, These organisms are actually जितने भी terrestrial organism हो गए more than 90% वो क्या हो गए, वो nocturnal हो गए। nocturnal का मतलब है कि मतलब वो night के time active होते हैं, day के time active नहीं होते, क्यों, क्योंकि सहरा में धूप तेज पड़ती है, तो और उस धूप की वजह से फिर उसकी जो स्किन होगी उससे इवापोरेशन के चांसेस ज्यादा हो गए, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर दिन भर अपने बेलों में, अपने सुराखों में घुसे हुए होते हैं, और रात के वक्त वो एक्टिव होते हैं, सो देट इज नॉक्टर्नल इन नेचर, एम आई राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन, राइट, ऑस्मोरेगुलेशन हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पर ये दो टर्म यूरिया और ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये जो हाइपरटोनिक ऑर्गेनिज्म जो है ये मेजॉरिटी होते हैं बाय मींस ऑफ दिस टू, यूरिया एंड ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, ठीक है। यूरिया एक्चुअली ये क्या होता है, यूरिया इज एक्चुअली द नाइट्रोजनस सब्सटेंस, और इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं, क्या है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन को ये क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं, प्रोटीन क्या है, एंजाइम है, तो अगर यूरिया की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो गए तो डेथ हो सकती है। तो यहां पर इस यूरिया के साथ ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड भी मौजूद है, ये ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड इस यूरिया के एक्शन को खत्म कर देती है, तो इसकी वजह से ये सिर्फ हाइपरटोनिक हो सकते हैं लेकिन उसके जो प्रोटीन है या एंजाइम है उसकी डीनेचरेशन नहीं हो सकती, थैंक्स गॉड कि ये ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड मौजूद है, राइट, अदरवाइज जितने भी कॉम्पोनेंट्स होंगे जो कि हाइपरटोनिक इन नेचर है वो यूरिया की वजह से ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, अभी तो एंजॉय कर लें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।